हरिओम आप सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ योगिनी शिखा गुप्ता और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवा योग में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक आसन लेके आई हूँ जिसे करने से आपके जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े हैं वो मजबूत बनेंगे। जी हाँ, आपके जो लंग्स की, फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि जब आप डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हैं, तो जब आप इनहेल करते हैं तो आपका जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े हैं, उनमें विस्तार होता है। तो क्या करेंगे, जब आपके फेफड़े, आपके लंग्स में विस्तार होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है, आपके फेफड़ों में जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी जाती है। तो वहीं से जब ऑक्सीजन जाती है तो आपका जो इम्प्योर ब्लड होता है वो प्योर होता है और आपके हार्ट की तरफ जाता है, जिससे आपका जो हार्ट है वो अच्छे से कार्य करता है। जब आपका हार्ट अच्छे से कार्य करेगा तो आप हमेशा ही निरोगी बने रहेंगे। तो चलिए, एक आसन मैं आपको बता रही हूँ जिसे आपको करना है, जिससे आपके लंग्स, आपका जो हार्ट है, आपके जो शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे और हमेशा अच्छे से कार्य करेंगे। तो चलिए, इस तरह आपको ले लेना है कोई भी एक मैट और आ जाना है इस तरह, घुटनों के बल आना है, नीज के बल आ जाएंगे। पैरों में देखिए उतना गैप रखना है जितना गैप आपके शोल्डर्स में है, शोल्डर्स हैं जितने, ठीक उतना ही गैप रखना है। और पीछे से देखिए, जो मेरे फीट हैं वो फ्लैट हैं, चाहे तो आप इसको इस तरह टक कर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो टक करके रखेंगे, अगर आप नियमित योगा अभ्यास करते हैं तो इस तरह फ्लैट को, इस तरह फीट को फ्लैट रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं टक कर ले रही हूँ जिससे कि आपको करने में आसानी हो। तो चलिए, यहीं से क्या करना है, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखना है और यहीं से सबसे पहले आपका जो राइट वाला हैंड है उसको ऊपर उठाते हुए इनहेल करते हुए इस तरह पीछे लेके जाना है और फिर इस तरह आगे लेके आना है, इस तरह पीछे लेके जाना है, इस तरह आगे लेके आना है। करीब 10 टाइम आपको ये करना है, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। सेम थिंग आपको यहाँ से दूसरे वाली साइड से भी कर लेनी है। इस तरह बिल्कुल आराम आराम से आपको ये भी 10 टाइम कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, यहीं से लेफ्ट वाले हैंड को ऊपर उठाते हुए घुमाते हुए अपने लेफ्ट हील को ग्रिप कर लेंगे और दूसरे वाले हाथ से राइट हील को ग्रिप कर लेंगे और इस तरह आपको होल्ड करना है 10 ब्रीथ। कमर को आगे की ओर धक्का देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, 10 ब्रीथ होल्ड करेंगे, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से वापिस आ जाएंगे और इस तरह बैठ जाएंगे। आगे से दोनों नीज को ओपन करेंगे और इस तरह इसका रिलैक्स पोज करेंगे। रिलैक्सिंग पोज आपको करना बहुत ज़रूरी है। इनहेल और एक्सहेल कीजिए, चलिए फिर से एक बार फिर से करेंगे, होल्ड करना है इसमें, हाथ को घुमाते हुए पीछे लेकर गए, फिर दूसरे वाले हाथ को भी इस तरह होल्ड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 and 15। धीरे से वापिस आ जाएंगे, फिर से चाइल्ड पोज में जाएंगे, पूरा कमर को रिलैक्स करेंगे। चलिए धीरे से वापिस आ जाएंगे। तो उष्ट्रासन आपको
यह पोज करना है उष्ट्रासन, इसका नाम है उष्ट्रासन। जब आप उष्ट्रासन करते हैं तो देखेंगे कि आपकी जो चेस्ट है, आपकी जो छाती है, आपके जो लंग्स है, उनमें खिंचाव होता है। इसी खिंचाव के कारण क्या होता है, आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो आपको ये तीन सेट करना है, यानी कि तीन बार आपको रोज करना है, अगर आप अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को मजबूत करना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आपको ऐसी विशेष जानकारी मिलती रहे।